उत्तराखंड से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, वहां पर जांच कैसे आगे बढ़ी है और क्यों वहां पर जांच की जा रही है। जाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं और उस बीच उन्होंने ये रील पोस्ट कर, वो स्टेटस अपडेट करती हैं कि 1500 किलोमीटर की यात्रा कर मैं फाइनली यहाँ पे पहुंची हूँ और शायद मुझे यहाँ पर आना था। एक बहुत ही इमोशनल उस समय ये रील उन्होंने ये पोस्ट करी थी और उस रील में उनको देखा जा सकता है कि कितनी अकेली और किस तरीके से अपने आप को वो खोज रही हैं, तलाश रही हैं, अपने अतीत में जाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं और उस बीच उन्होंने ये रील पोस्ट करी कि उन्होंने जिस तरीके से जब इंस्टाग्राम पोस्ट किया तो कई रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं, लोग उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी हत्या को 6 महीने हो चुके हैं और अब लोग उस तरीके से कॉमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा बह रही है और काफी शांति प्रिय वादी है ये, यहाँ पे पास में ही वशिष्ठ गुफा है। अब बात ये उठती है कि श्रद्धा किस प्रकार का व्यक्तित्व रखती थी, एक बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी वो और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी, उनको आजादी में रहना पसंद था, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था और शायद इतना लंबा सफर करके वो ऋषिकेश आई और इसी जगह पर उन्होंने आखिरी रील बनाई, पर किसी को क्या पता था कि ये उनकी इंस्टाग्राम की आखिरी रील होगी। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, ऋषिकेश, आज तक। तो देखिए, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दें कि जिस जगह से हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट भेज रहे थे, दरअसल यहीं पर श्रद्धा पहुंची थी और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी जो आखिरी रील थी वो यहीं से नजर आ रही थी।